मिल्खा सिंह एक ऐसा नाम है जो आज तक हर एथलीट और स्पोर्ट्समैन को मोटिवेशन और हार्ड वर्क करने का जुनून और जोश देता है। मिल्खा सिंह ने अपने जीवन में इंडिया के लिए कई मेडल्स जीते और 1950s और 60s के जमाने में भी इंडिया का नाम ट्रैक एंड फील्ड के एरिया में ऊंचा किया। हाल ही में मिल्खा सिंह जी की डेथ हुई है। इस खबर से पूरा भारत सदमे में है। अगर हम मिल्खा सिंह जी की सबसे बड़े कॉम्पिटिटर की बात करें तो वह भी कम नहीं है। उनके सबसे फेमस कॉम्पिटिटर का नाम था अब्दुल खालिक, जिन्होंने पाकिस्तानी आर्मी को सर्व किया था। साथ ही ट्रैक एंड फील्ड के क्षेत्र में अपने देश के लिए कई मेडल जीते। आज इस वीडियो में हम इन्हीं दो लेजेंड्स को कंपेयर करेंगे। नंबर ऑफ मेडल से लेकर उनके नेशनल अवार्ड्स तक हम इन सारी चीजों के बारे में जानेंगे। तो मेरे साथ वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिए। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त नताशा और आप देख रहे हैं इंडिया टॉप फैक्ट्स। नंबर वन, इंट्रोडक्शन। मिल्खा सिंह का जन्म 28 नवंबर 1929 में हुआ था। वह एक सिख फैमिली में पैदा हुए थे जो कि राठौर राजपूत की फैमिली से बिलोंग करता था। उनका जन्म गोविंदपुरा में हुआ था। ये गांव पंजाब प्रोविंस के मुजफ्फरगढ़ से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। उनके कुल 15 भाई बहन थे जिनमें से 8 की मौत इंडिया के पार्टीशन के वक्त हो गई थी। कहा जाता है कि मिल्खा सिंह के माता पिता, भाई और बहन को उनके सामने मार दिया गया था। किसी तरह अपनी जान बचाकर वह 1947 में दिल्ली आ गए, जहां वह अपनी बहन के साथ रहने लगे। कहा जाता है कि उन्हें ट्रेन में टिकट न होने की वजह से पकड़ लिया गया था और तिहाड़ जेल में बंद कर दिया था। तब उनकी बहन ने अपने सोने के गहने बेचकर उन्हें छुड़वाया था। मिल्खा सिंह डकैत बनने के बहुत करीब आ गए थे, लेकिन उनके भाई मलखम ने उन्हें इंडियन आर्मी ज्वाइन करने की सलाह दी। अपने फोर्थ अटेम्प्ट में वह 1951 में सक्सेसफुली इंडियन आर्मी ज्वाइन करने में सफल रहे। वहीं अब्दुल खालिक का जन्म नॉर्थ पंजाब के चकवाल टाउन में हुआ था। उन्होंने अपने स्पोर्ट्स की शुरुआत कबड्डी से की, जो कि पंजाब का ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स माना जाता था। उनकी मीडियम हाइट और स्ट्रॉन्ग थाइस की वजह से उनकी स्पीड बहुत ज्यादा थी, जिस वजह से कोई उन्हें पकड़ नहीं पाता था। उस वक्त में ब्रिग रोधम नाम का एक इंग्लिशमैन आर्मी स्पोर्ट्स का हेड था। उन्होंने अब्दुल खालिक की फुर्ती और तेजी देखी और उन्हें एथलेटिक्स में ज्वाइन करवाया। अब्दुल खालिक ने सबको अपनी तेजी से शॉक कर दिया। वह जल्द ही अपनी कंट्री के बेस्ट स्प्रिंटर बन गए। 1954 में अपने सबसे पहले इंटरनेशनल टूर्नामेंट एशियन गेम्स में उन्होंने 100 मीटर की रेस केवल 10.6 सेकंड्स में पूरी करके उन्होंने नया रिकॉर्ड बना दिया और पूरी दुनिया में उनका नाम फास्टेस्ट मैन ऑफ एशिया से मशहूर हो गया। नंबर टू, इंटरनेशनल करियर। इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के बाद मिल्खा सिंह पहली बार एथलेटिक्स का नाम सुना और तुरंत ही उसमें इंटरेस्टेड हो गए। आर्मी की स्पेशल ट्रेनिंग में वह 6th पोजीशन में आए। ऑफिसर्स ने मिल्खा सिंह की काबिलियत देखी और इन्हें ट्रैक एंड फील्ड में आगे बढ़ने का प्रोत्साहन दिया। 1956 के मेलबर्न ओलंपिक्स गेम में उन्होंने पहली बार इंडिया को रिप्रेजेंट किया और 200 मीटर और 400 मीटर की रेस दौड़ी। उस वक्त ज्यादा एक्सपीरियंस न होने की वजह से वह मेडल नहीं जीत पाए, लेकिन उनकी मुलाकात चार्ल्स जेनकिन से हुई, जो कि 400 मीटर के चैंपियन रेसर थे। चार्ल्स ने मिल्खा सिंह को सही टेक्निक से मेहनत करने के लिए इंस्पायर किया और अलग अलग ट्रेनिंग मेथड्स के बारे में भी बताया। 1958 के नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया में मिल्खा सिंह ने 200 मीटर और 400 मीटर की रेस दौड़ी और रिकॉर्ड बना दिया। साथ ही उन्होंने एशियन गेम्स में भी गोल्ड मेडल जीता। 1958 के ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने 400 मीटर की रेस में गोल्ड मेडल जीता। ये गोल्ड मेडल इंडिपेंडेंट इंडिया का सबसे पहला गोल्ड मेडल था। 1960 में जवाहरलाल नेहरू जी ने मिल्खा सिंह को पाकिस्तान जाकर रेस करने का प्रस्ताव दिया। मिल्खा सिंह पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे, लेकिन पंडित नेहरू उन्हें मनाने में कामयाब रहे। पाकिस्तान में उनकी भिड़ंत फास्टेस्ट मैन ऑफ एशिया अब्दुल खालिक से हुई। मिल्खा सिंह रेस में विजय रहे और पाकिस्तान के जनरल अयूब खान ने उन्हें द फ्लाइंग सिख का नाम दिया, जिस नाम से आज हम सब उन्हें जानते हैं। वहीं अब्दुल खालिक 1956 में अपने बेस्ट पर थे। मेलबर्न ओलंपिक्स में वह 100 और 200 मीटर्स की रेस में सेमीफाइनल्स में पहुंचे। 100 मीटर्स और 400 मीटर्स रिले रेस में उन्होंने गोल्ड मेडल जीतकर पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। उनके इस परफॉर्मेंस में उन्हें दुनिया के 7 सबसे बेस्ट एथलेटिक्स के नामों के साथ जोड़ दिया। नंबर 3, टोटल नंबर ऑफ मेडल्स। मिल्खा सिंह ने अपने करियर में टोटल 80 रेसेस दौड़ी है, जिनमें से 77 रेसेस में उन्होंने मेडल्स जीते हैं। ये एक बहुत ही बड़ी सफलता है। वहीं अब्दुल खालिक ने अपने जीवन में टोटल 63 मेडल्स अपने कंट्री के लिए जीते हैं। नंबर 4, नेशनल अवार्ड्स। मिल्खा सिंह को उनके स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस के लिए पद्मश्री अवार्ड दिया गया था, जो कि 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड था। वहीं अब्दुल खालिक को पाकिस्तान की तरफ से टॉप अवार्ड प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का अवार्ड दिया गया था। मिल्खा सिंह के जीवन के ऊपर भाग मिल्खा भाग नाम की एक मूवी भी बनी थी, जो कि बहुत हिट हुई थी। दोनों ही मिल्खा सिंह और अब्दुल खालिक अपने कंट्रीज के लेजेंड्स थे, जिन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें और पसंद नहीं आए तो डिसलाइक करें।